नमस्ते, मैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ मणिपाल हॉस्पिटल से हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है सर्वाइकल कैंसर। अब सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? ये एक कैंसर है जो आपके बच्चेदानी के जो मुँह है, निचले तरफ वाला हिस्सा जो है, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। उस विभाग का अगर कैंसर होता है तो उसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रमुख कारण होता है फीमेल्स में डेथ मोर्टैलिटी, जिसको हम बोलते हैं। और इंडिया में ये सबसे कॉमन, सेकंड कॉमन कैंसर है फीमेल्स में। जो सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर अगर इंडिया में है, तो सेकंड कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। पूरे दुनिया भर में ये फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में पाया जाता है। और हमारे जैसे देश में, जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ा सा लोअर साइड में है, वहाँ ये कैंसर का इंसिडेंस भी ज़्यादा है, और इस कैंसर से जो डेथ रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो पूरे दुनिया भर में हर साल ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 से 6.5 लाख महिलाओं को ये कैंसर होता है, और उसमें से 3.5 लाख महिलाओं की मृत्यु इस कैंसर की वजह से होती है। इसीलिए इस कैंसर के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस कैंसर का उपाय है, इस कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और इस कैंसर को हम जल्दी आइडेंटिफाई करके ट्रीट भी कर सकते हैं। और अर्ली स्टेजेस में अगर इस कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया तो ऑलमोस्ट 100% क्योरेट इस कैंसर से मिल सकता है आपको। तो ये होता क्यों है? ये जो कैंसर होता है, ये एक वायरस इन्फेक्शन, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं, उसके वजह से होता है। और ये जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, तो हर वो सेक्सुअली एक्टिव फीमेल को ये इन्फेक्शन 90% से ज़्यादा महिलाओं को होता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये वायरस का इन्फेक्शन अपने आप ठीक हो जाता है। उनमें जिनमें इम्यूनिटी पुअर होती है, जैसे कि जिनमें HIV का संक्रमण होता है, जो स्मोकिंग करते हैं, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनको नीचे की तरफ बार बार इन्फेक्शन होता है, उनमें इस इन्फेक्शन का परसिस्टेंट होना देखा गया है। और उन्हीं महिलाओं को ज़्यादा रिस्क रहता है, अगर ये इन्फेक्शन परसिस्टेंट होता है तो आगे जाके ये कैंसर में तब्दील हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक वैक्सीन है, और ये वैक्सीन 90% से ज़्यादा इस कैंसर को प्रिवेंट करने में काम करती है। ये वैक्सीन हर लड़की को आजकल 9 साल से ऊपर उम्र में दी जाती है, और 9 से 15 साल की उम्र तक 2 ही डोज काफ़ी है, 15 साल के ऊपर 3 डोज की आवश्यकता होती है। जितने जल्दी ये वैक्सीन लिया जाए, उतना ज़्यादा इसका असर देखा गया है। और दूसरी बात है इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, जिसको हम पैप्समियर बोलते हैं। ये रेगुलरली हर महिला को जो सेक्सुअली एक्टिव है 30 साल के ऊपर उम्र में, हर 3 साल में एक बार कराना चाहिए। इससे हम वो चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आगे चल के 10-15 साल बाद कैंसर में तब्दील हो सकता है। इसलिए ये कैंसर से आप बच सकते हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस कैंसर के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो आप सब लगाएं, और इस कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो भी हर महिला करें। धन्यवाद।